देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आदाब, मैं अफजल अहमद एनबीडी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के नागौर जिले में फ्रूट की पेटियों के अंदर फलों के साथ नोटों की कतरन निकल रही है। जिले के कुचामन में गुजरात से आ रही फल पेटियों में 20 से 50 रुपए के नोटों की कतरन देखकर हर कोई चौंक रहा है। फ्रूट व्यापारियों ने बताया कि पिछले 15 दिन से ऐसा हो रहा है। सबसे ज्यादा अनार की पेटियों में नोटों की कतरनें निकल रही हैं। इसमें कागज की भी कतरनें होती हैं। पिछले कुछ दिन से इनमें नोट वाले कागज की कतरनें आ रही है। लोग अपने पास मौजूद नोट से उनका मिलान कर रहे हैं। कई कतरनों में तो नोट पर आने वाला सिक्योरिटी धागा भी साफ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों ने आशंका जताई कि कतरन नकली नोटों की भी हो सकती है। आप भी जानिए नोटों के इन कतरनों का राज। कुचामन थाना अधिकारी हनुमान चौधरी ने बताया कि जांच की पहली कड़ी में अनार की पेटियों पर लिखे नंबर से संपर्क किया गया। अनार के होलसेल व्यापारी से संपर्क हुआ। वह महाराष्ट्र का रहने वाला है। वह भारतीय मुद्रा की एक कतरन किसी टेंडर होल्डर से किलो के भाव में खरीदता है। इसे अनार की पेटियों में डालने के काम में लिया जाता है। एनबीडी की खास रिपोर्ट। We'll be right back.